विधानसभा में विपक्ष ने प्रदेश में हो रही गायों की मौत को लेकर विपक्ष ने भारी हंगामा किया। कांग्रेस ने गौ हत्या को लेकर दो बार सदन से वॉकआउट किया। माननीय कमलनाथ जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो गौ माता के लिए 1000 गौशालाओं का निर्माण करके दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से गौ माता की चारा नहीं होने के कारण भूख और प्यास के कारण हत्याएं हो रही है। ये सरकार गौ माता के नाम पे राजनीति करती है लेकिन गौ माता के लिए चारे में कटौती करके दे दी है, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती है। और इसलिए माननीय कमलनाथ जी ने जो 1000 गौशालाओं का निर्माण किया उसके चारे की व्यवस्था इस सरकार ने करना चाहिए। ये ढोंगी सरकार है, ये बहुरुपिया सरकार है, बातें तो गौ माता की करती है लेकिन गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था भी नहीं कर पाती है। हमारा कांग्रेस का विपक्ष इसकी पुरजोर मांग करता है कि गौ माता के चारे की व्यवस्था की जाए और जो गौ माता की हत्या हो रही है उस पर रोक लगाई जाए। ये गौ माता विरोधी सरकार है, धर्म विरोधी सरकार है। पर गौ माता की बात करके और सब चुनाव तक जीतना चाहती है मगर जब सरकार बनने के बाद आप देखा है गौशाला में कई गायें मर रही हैं, सब उनके अपना बॉडी के सब हड्डियां फेंकी जा रही है और भाजपा को कानो कान कोई खबर नहीं है। तो इस तरह से गौ माता के नाम से जितना भी पैसा आता है वो सब बढ़ जाता है उसमें और गरीब गौ माता भूखी रहती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है। इसलिए हमारी मांग है कि गौ माता के लिए जो भी बजट निर्धारित, जैसे कमलनाथ जी हमारी सरकार 15 महीने थी 1000 गौशाला खोलने का निर्णय लिया था उसमें से 2-3 हज़ार तो गौशाला खुल गई थी, बीच में सरकार चली गई, अब वो सारी योजना बंद कर दी। गौ माता को नाम से ना रोटियां सेकने का काम करते पर भाजपा सरकार कभी गौ माता को मना संरक्षण नहीं दे रही है। तो हमारी मांग है कि गौ माता का जितनी भी गौशालाएं हैं उसको विधिवत पूरी जीर्णोद्धार करके उसको मना समाधान करें। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।